हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एसपाल न्यूज़। और इसमें लेके आया हूँ आपके लिए भारतीय संवैधानिक विकास। भारत का संविधान विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से यहाँ पर नींव पड़ी और क्यों इसे बनाने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो सब चीज़ को प्रारंभ से लेकर अंतिम तक समझते हुए चलेंगे। मेरी बात बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो जो है आपकी पॉलिटी पर मैंने एक डाल दी है, ठीक है ना। उसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको जो मेन मेन थी वो मैंने उसमें बता दी, लेकिन जितनी भी आपके एक्ट हैं, ठीक है ना, चार्टर एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्रत्येक पॉइंट की जानकारी आपको बहुत बारीकी से दी जाएगी और आपको ये जानकर बहुत अच्छा भी लगेगा कि हाँ भाई, हमारे कितनी जल्दी समझ में आ गया, ठीक है। देखिए, बात करते हैं पहले संविधान की। संविधान बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना। संविधान को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक वह वैधानिक दस्तावेज है जो किसी देश के जो उनकी जो आत्मरक्षा है, ऐसा समझ लीजिए, या फिर आकांक्षाएं हैं उनकी मन की, ठीक है ना, या फिर देश की जनता के प्रति विश्वास है, देश की जनता का एक विश्वास है। कभी भी आपने देखा होगा कि कभी भी दो व्यक्तियों के बीच में अगर लड़ाई हो जाती है तो वो हमेशा कहता है आई सी यू इन कोर्ट, मैं आपको कोर्ट में देख लूँगा जो भी होगा, क्योंकि उसे विश्वास है। अभी भी लोगों को जो है न्यायालय पर विश्वास है, ठीक है ना, कि वहाँ से उन्हें जो है अच्छी तरीके से न्याय मिल सकता है। वो लोग विश्वास करते हैं उस चीज़ पे कि आपको वहाँ पर न्याय बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। अब भारतीय संविधान के निर्माण की जो पृष्ठभूमि है वो ब्रिटिश शासन, देखिए काफ़ी समय तक ब्रिटिश शासन जो है रहा है वहाँ पर, तो ब्रिटिश के जो भी अफसर हुआ करते थे, ठीक है ना, ब्रिटिश शासन में जो भी अधिकारी हैं, जो भी अफसर हैं, तो उन पर कोई भी आदेश पत्र जारी किया जाता था और उन पर उस जो है उस नियम को उन्हें मानना होता था, या फिर जो भी कानून उसमें बन गया वो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मानना पड़ता था। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश शासन में क्या हुआ यहाँ पर कि संविधान की नींव यहाँ पर पड़ गई और ये चीज़ एक उसमें एक अंदाजा लग गया कि हाँ भाई, हमारा एक संविधान बनेगा। तो पृष्ठभूमि वहीं से ही निर्माण की बन गई, ठीक है ना। उसके बाद कुछ समय के बाद में इस काल में मंदी आई। मंदी आने के कारण क्या हुआ कि भारत के संवैधानिक विकास में दो भागों में विभक्त कर दिया गया। कितने भागों में, दो भागों में विभक्त कर दिया गया, ठीक है, दो भागों में विभक्त कर दिया गया, ध्यान रखना है आपको। जब दो भागों में विभक्त कर दिया गया तो कौन कौन से भाग बने, वो दोनों भाग में आपको बताता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, एक तो आपका था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत जो 1600 में आपका हुआ, ठीक है ना, जो राजलेख चार्टर जब आपका आया तो उसमें उसकी स्थापना की गई, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब इसमें क्या था, ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत, जब ब्रिटेन की सरकार चल रही थी, ब्रिटेन का शासन था, तो उसकी शासन के अनुसार भी तो आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जितने समय तक 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था, उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, तो ब्रिटेन की संसद विभिन्न अफसरों पर, जो ब्रिटेन की जो संसद थी या ब्रिटेन का जो शासन था, वह करता था, जितने भी अफसर थे वहाँ पर, जितने भी अधिकारी थे या अफसर थे, तो वो एक अपने कानून को पारित करने के लिए, कानून बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी करते थे या आदेश पत्र जारी करते थे। उसे कंपनीज जो है आप कंपनीज करेक्टर जारी करके इसमें बोला जाता था, कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती थी वो, ठीक है। और जब उन्हें स्वयं भारत के जो कार्यभार, उन्हें लगा कि हाँ भाई, जो ब्रिटिश शासन है वो किस में जा रहा है, भारत के हाथों में जाता हुआ दिखाई दिया, तब भी उन्हें भारत के शासन के लिए विभिन्न कानून उन्होंने बनाए, ठीक है ना। जब मान के चलना किसी का पहले तो ब्रिटिश शासन है, उसके बाद में उन्हें लगा कि भारत के जो राजा हैं या फिर जो है वहाँ पर जो भारत के हाथों में वो सब कुछ जा रहा है, तो उन्होंने फिर भी कुछ नियम वहाँ पर, विभिन्न प्रकार के नियम वहाँ पर बनाए, विभिन्न प्रकार के कानून वहाँ पर बनाए। जब आदेश पत्र और कानून के, हम भारत में जब आदेश पत्र जारी हुआ, कानून जब संवैधानिक सम्मिलित करते थे, तो उसमें दो भागों में उसे बांटा गया। तो भारत का संवैधानिक विकास एक दृष्टि में जो है दो भागों में बांटा है, कैसे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से 1853 ईस्वी तक यहाँ पर ये बांटा गया। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत बांटा गया 1858 से और 1947 तक, 1947 में हम आज़ादी मिली थी, ठीक है ना। तो 1858 से 1947 की हम बात करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले जो है हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट से पहले दो चीज़ उसमें आई थी,
तो 1600 में आया था आपका राजलेख, ठीक है ना, राजलेख चार्टर। दूसरा क्या था, 1726 में दोबारा से एक जो है राजलेख आया। उसके बाद में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में आया। 1773 में आने के बाद पीट्स इंडिया एक्ट आया आपको 1784 में। पीट्स इंडिया एक्ट कब आया था आपका, 1784 में। उसके बाद में चार्टर एक्ट आया आपको 1793 में। चार्टर एक्ट कब आया था, 1793 में। तो दूसरा चार्टर एक्ट कब आया, 1813 में। तीसरा कब आया, 1833 में। और जो लास्ट जो आपका वो आया था 1853 में। तो चार जो है चार्टर एक्ट थे, उनकी डेट आपको याद रखनी है, सन उनकी याद रखनी है। 1793 पहली आपकी याद रही जाएगी आपको, दूसरी 1813, 1833 तीसरी, और 1800 जो आपकी 53 पड़ेगी वो होगी चौथा। तो ये चार चार्टर एक्ट हैं, और दो उसके अलावा क्या है, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, और एक हो गया पीट्स इंडिया एक्ट, ठीक है ना, पीट्स इंडिया एक्ट। और पीट्स इंडिया एक्ट का जो 1784, और रेगुलेटिंग एक्ट का है 1773। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखिए अब बात करेंगे हम 1600 में जो राजलेख आपका स्टार्ट हुआ, राजलेख चार्टर एक्ट वो क्या था, वो थोड़ा समझिए। स्टार्टिंग करने वाले हैं आपके 1600 राजलेख एक्ट के बारे में, वो क्या था आपका। तो देखिए जब संवैधानिक विकास होने की स्थापना मतलब स्टार्टिंग जो हुई थी या प्रारंभ जो हुआ था वो आपका हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बोला गया, उस समय 1600 राजलेख बोला गया, ठीक है ना, मतलब 1600 राजलेख इसे कहा गया। 1600 ईस्वी में ही आया था तो इसलिए क्या बोला गया, 1600 ईस्वी का राजलेख इसे बोला गया। और इस राजलेख के माध्यम से क्या हुआ, महारानी जो एलिजाबेथ थी, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 31 दिसंबर, ठीक है ना, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई, स्थापना हुई, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो उन्होंने जो पूर्वी देश थे, पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक जो है यहाँ पर व्यापार करने की उन्हें छूट दे दी कि आप 15 वर्षों तक यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। तो स्थापना के समय में कंपनी की कुल पूंजी जो थी वो 30,133 रुपये, मतलब 30,133 पाउंड थी यहाँ पर, ठीक है। अब कुल 217 यहाँ पर भागीदार थे, कुल 217 क्या थे यहाँ पर भागीदार थे। इस कंपनी का जो सारा प्रशासन था वो किस प्रकार से था, एक परिषद को जो है ये सब कुछ काम सौंप दिया गया, एक परिषद को यहाँ पर सब काम सौंप दिया गया। तो यहाँ पर जो सदस्य हुए थे वो कौन थे, गवर्नर और उप गवर्नर यहाँ पर हुए, ठीक है। जब गवर्नर और उप गवर्नर आपके हुए, इसके बाद में जो परिषद का जो काम था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में चला गया, और जिसे निदेशक मंडल बाद में कहा गया, क्या बोला गया, निदेशक मंडल इसे कहा गया बाद में, ओके। हमने 1600 ईस्वी का जो राजलेख यहाँ पर समाप्त किया, और इसे बाद में किस नाम से जाना गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया, और कितने तक, 15 वर्षों तक यहाँ पर व्यापार करने की छूट दे दी गई। उसके बाद आया आपका 1726 राजलेख चार्टर, ठीक है ना, चार्ट एक्ट। यहाँ पर 1726 का क्या था, 1726 का था कि यहाँ पर जो जितने भी राजलेख द्वारा, इस राजलेख के द्वारा मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, ठीक है ना, मुंबई मद्रास कोलकाता, तो इन्हें क्या बोला गया कि बोले तुम अपनी यहाँ पर विधि बनाने की शक्ति इन्हें दे दी गई, बोले तुम अपना विधि बना सकते हो। और पहले ये जो शक्ति थी वो किसके हाथों में थी, सब इंग्लैंड के हाथों में थी, ठीक है। तो आज हमारे दो चीज़ यहाँ पर ख़त्म होती हैं, वो किस किस प्रकार से, ठीक है ना, संविधान कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से यहाँ पर बनना स्टार्ट हुआ। तो क्वेश्चन किस प्रकार से, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई किस चार्टर एक्ट के तहत की गई, और कितनी ईस्वी में यहाँ पर हुई। तो देखिए 1600 ईस्वी में हुई थी, और क्या हुई, चार्टर एक्ट के तहत हुई थी, कौन सी, राजलेख जिसे बोला गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक बार में बता, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में अपना कार्य या फिर अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया। तो ईस्ट इंडिया ने जो अपना कार्य प्रारंभ किया था वो पूर्वी देशों से किया था, और पूर्वी देशों में कौन सा, सूरत आपको ध्यान रखना है, जो आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना, कहाँ पर, सूरत गुजरात में, ओके। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ पढ़ी हमने, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत यहाँ पर पढ़ा, दूसरा ब्रिटिश सरकारी शासन के अंतर्गत यहाँ पर पढ़ा, दो चीज़ें ये हो गई। दूसरी बात, हमने दो चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ गया, कौन कौन से, जो 1600 ईस्वी में जो राजलेख चार्टर आया था आपका, चार्टर जो आया था, ठीक है,
उसके बाद में क्या था उसमें 1726 में एक राज लेख आया था। 1726 में राज लेख में क्या हुआ था कि जो प्रांत थे दूसरे, जैसे आपका कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, इन्हें अपनी विधि जो है या फिर अपनी शक्ति क्या कहते हैं अपनी विधि बनाने की शक्ति इन्हें प्रदान की गई। ठीक है, इससे पहले किसमें थी ये जो थी आपकी वो पहले इंग्लैंड में थी। इंग्लैंड को इतना अधिकार था कि वो अपनी विधि बना सकता है या विधि की शक्ति बना सकता है, इससे ज़्यादा और किसी में शक्ति यहाँ पर नहीं थी। ठीक है ना, इतनी किसी को प्रबलता देना कि वो अपने कार्यों को खुद से कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छे, चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, थैंक यू आप लोगों का बहुत ज़्यादा, आप मुझे देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।